इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि गूगल पे का नया अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको वीडियो के डुप्लीकेशन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा गूगल पे एप्लीकेशन का, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओपन करना है, यहां पर जो भी परमिशन मांगता है उसे अलाउ कर देना है। यहां पर अपना वही मोबाइल नंबर इंटर कीजिएगा जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में ऐड हो। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर कोई भी एक जीमेल आईडी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर से कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो मोबाइल नंबर दिए होंगे उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, यहाँ पर ओटीपी को डाल देना है। ओटीपी इंटर करने के बाद आप यहाँ पर आ जाइएगा, ऊपर में देखिएगा कि आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड बैंक अकाउंट, तो आपको ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर सारा बैंक का नाम आपको मिल जाएगा, आपका जो भी बैंक हो यहाँ पर आपको खोज लेना है, सर्च करके भी खोज सकते हैं। पर मेरा SBI बैंक में मेरा अकाउंट है तो SBI बैंक पर मैं क्लिक करूंगा, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद यहां पर बैंक वेरीफाई करेगा कि आपका मोबाइल नंबर यही है कि नहीं है। उसके बाद आपको यहां पर जो नंबर डाले हैं शुरू में वो नंबर किस सिम में लगा है, सिम 1 में या सिम 2 में, तो मैं यहां पर सिम 2 सेलेक्ट करके कंटिन्यू पर मैं क्लिक कर दूंगा। यहां पर जो भी मैसेज का अलाउ आता है, आपको परमिशन मांगता है, उसे अलाउ कर देना है। यहां पर थोड़ा सा फेचिंग लेगा, थोड़ा सा वेट करना होगा। यहां पर ऑटोमेटिक आपका बैंक अकाउंट यदि मोबाइल नंबर लिंक होगा तो यहां पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहां पर मेरा देखिए बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है। बैंक अकाउंट ऐड होने के बाद आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा, आपको बोलेगा कि UPI पिन सेट कर सकते हैं। मैं यहां पर UPI पिन मेरा पहले से क्रिएट है फोन पे का, तो वही UPI पिन यहां पर भी वर्क करेगा। यदि आप पहली बार बना रहे होंगे तो UPI पिन सेटअप करने का ऑप्शन आएगा, वहां पर आपको गोइट ओके पर क्लिक करना है, कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन आता है गोइट का, गोइट पर क्लिक कर देना है। और वहाँ पर आपका जो भी क्रेडिट कार्ड का जो ATM का 16 अंक का डिजिट का जो नंबर होता है उसमें से 6 अंक का आपको वहां पर लास्ट वाला नंबर आपको डायल कर देना है। उसके बाद आपका जो भी एक्सपायरी डेट होगा उसे सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको UPI पिन सेट करने का ऑप्शन आएगा, आपको उस UPI पिन को इंटर कर देना है। किसी किसी बैंक में 6 अंक का आता है, किसी बैंक में 4 अंक का आता है, तो आपको उसे इंटर कर लेना है, सेट कर लेना है। उसके बाद आपको करना क्या है कि उस UPI पिन को आपको लिख कर रख लेना है। जब भी आप ट्रांजैक्शन किसी के पास पैसा भेजेंगे या बैंक बैलेंस चेक करेंगे, मोबाइल रिचार्ज करेंगे, तो उस UPI पिन का ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मेरा कंटिन्यू पर मैं क्लिक करता हूँ, कंटिन्यू पर जैसे ही क्लिक कर दूँगा तो वही मेरा जो फ़ोनपे वाला UPI पिन था वर्क करेगा। मैं गोइट पर क्लिक कर दे रहा हूँ, यहाँ पर आ जाऊँगा। अब यहाँ पर आने के बाद देखिए सबसे ऊपर में एक ऑप्शन मिलता है स्कैन करके आप किसी को पैसा भेज सकते हैं। दूसरा नंबर पर मिलता है कि पे कॉन्टैक्ट, यानी आप किसी भी मोबाइल नंबर से अपने कॉन्टैक्ट से आप पे कर सकते हैं, पैसा भेज सकते हैं, पे फोन नंबर से भी पैसा भेज सकते हैं, बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी बैंक अकाउंट में आप किसी के पैसा भेज सकते हैं। उसके बाद UPI आईडी से आप पैसा भेज सकते हैं, यहां से आप पे बिल कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा यहां पर मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हैं। और आप अपना बैंक बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो यहां पर चेक बैलेंस पर आप क्लिक कीजिएगा, जो UPI पिन सेट किए होंगे उसी UPI पिन को यहाँ पर इंटर कर देना है और सही वाले टिक पर टिक कर देना है, जिससे आपका बैंक अकाउंट जो भी आपका बैंक बैलेंस होगा वहां पर शो हो जाएगा। इस तरीका से गूगल पे एप्लीकेशन का नया अकाउंट बनाया जाता है दोस्तों।